चैप्टर नंबर 9 लव गणक के बारे में। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 घातांकों के नियम एवं कड़ी को बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर करा दिया है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 लव गणक के बारे में। सबसे पहले डियर स्टूडेंट लव गणक के बेसिक कांसेप्ट और फार्मूला को समझेंगे, उसके बाद से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट लव गणक में मैक्सिमम आपको 7 से 8 फार्मूले ध्यान में रखना है। इन 7 से 8 फार्मूले के माध्यम से आप लव गणक के सारे प्रश्नों को बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, आपको अलग से किसी भी फार्मूला और कॉन्सेप्ट को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप पूरी क्लासेस अच्छी तरीके से देखते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उन पे लगने वाले फार्मूले और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर कराने वाला हूँ, जिससे आपको अलग से समय ना देना पड़े फार्मूला को रटने के लिए या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बिल्कुल शानदार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझाते हुए प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको बताने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। डियर स्टूडेंट यदि आप पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लेते हो तो लव गणक का और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्लास के माध्यम से आपके आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% आए हैं, यानी कि यहां से आप 8 नंबर कंप्लीट कर सकते हो यदि आप पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखते हो। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कुछ बेसिक से फार्मूला और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व। डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जैसे घातांक में हमने पढ़ा है कि 2 पे पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो आपका 8 होता है। 2 पे पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो आपका 8 होता है। लव गणक के नियम में डियर स्टूडेंट यही आपका हो जाता है लॉग 8 बेस में 2 बराबर 3 के। तो घातांक वाली वैल्यू को लव गणक के रूप में इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि log 8 और बेस में आपका 2 आ जाता है इक्वल टू 3। यदि इसी लव गणक वाली वैल्यू को घातांक के रूप में कन्वर्ट करना होता है तो होता क्या है, जो आपका 2 होता है इसके सर पर 3 चला आता है। जो आपका 2 होता है 2 के सर पर 3 चला आएगा, यानी कि 2 पे पावर 3 बराबर आपका हो जाएगा 8। तो इस तरीके से घातांक और लव गणक में क्या रिलेशनशिप है आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको कुछ बेसिक से फार्मूले बताता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखते जाइएगा प्रत्येक फार्मूले को। जैसे डियर स्टूडेंट पहला फार्मूला आपका ये होता है कि यदि आपका लॉग एम एन बेस में ए हो, यानी कि लॉग एम इनटू एन बेस में ए हो, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम बेस ए प्लस का लॉग एन बेस ए के रूप में, यानी कि लॉग एम इनटू एन को हम लॉग एम प्लस लॉग एन के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट यदि आपको लॉग एम बटे का एन के रूप में दे दिया हो, लॉग एम बटे एन के रूप में दे दिया हो और बेस में ए दिया हो, तो लॉग एम बटे एन को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट लॉग एम माइनस का लॉग एन के रूप में, यानी कि लॉग एम बटे एन को हम लिख सकते हैं लॉग एम माइनस का लॉग एन के रूप में। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट
फार्मूला नंबर 3 को ध्यान में रखिएगा। यदि आपको दे दिया गया है लॉग m पे पावर n और बेस में a हो, लॉग m पे पावर n और बेस में a हो, तो इसको हम लघुगणक के नियम से लिख सकते हैं n log m के रूप में। क्या लिख सकते हैं? n log m के रूप में और बेस में आपका a रहेगा। फार्मूला नंबर 4 आपका है डियर स्टूडेंट, यदि आपको दे दिया जाए कि log m बेस a है, तो log m बेस a को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट log b बेस a, सॉरी log m, ये आपका होगा log m बेस b गुणे log b अब बेस a के रूप में। ऐसा इसलिए हो जाता है डियर स्टूडेंट क्योंकि log m बेस b को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट log m बट्टे का log b के रूप में, और log b बेस a को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं log b बट्टे का log a के रूप में। तो यहां से log b करता है log m बट्टे log a, पुनः आपका log m बेस a के रूप में आ जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, जैसे आपका है log m बेस b गुणे log b बेस a, तो इस वाले वैल्यू को हम ऐसे ही रखते हैं, यानी कि log m बेस b, log m बेस b तो ऐसे ही रख, इस वाले वैल्यू को यदि मैं बट्टा में लेकर आना चाहूं, तो जो आपका log वाली वैल्यू है और बेस वाली वैल्यू है आपस में बदल जाते हैं। यदि इस वाली वैल्यू को हम बट्टा में लेकर आना चाहें, भाग के रूप में लेकर आना चाहें, तो जो लॉग वाली वैल्यू है और बेस वाली वैल्यू है आपस में बदल जाती है, यानी आपका हो जाएगा लॉग ए बेस बी के रूप में। यहां तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट फार्मूला है आपका डियर स्टूडेंट, यदि आपके लॉग वाली वैल्यू और बेस वाली वैल्यू दोनों समान हो, तो उसका मान एक होता है। जैसे आपका दे दिया जाए लॉग ए और बेस ए, यानी कि लॉग वाली वैल्यू और बेस वाली वैल्यू समान हो, तो उसका मान एक होता है। वहीं पर डियर स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, लॉग वन का जो मान होता है वो आपका जीरो होता है, लॉग वन का जो मान होता है जीरो। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसका तो आधार कुछ भी नहीं है, तो यदि किसी भी लघुगणक वाली वैल्यू का बेस कुछ भी ना दिया हो, आधार कुछ भी ना दिया हो, तो उसको हम 10 मान लेते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे आपका लिख दिया जाए कि लॉग 3, तो ये आपका साधारण लघुगणक है। क्यों साधारण लघुगणक? इसलिए है क्योंकि इसमें बेस वाली वैल्यू नहीं दिया है। तो यदि किसी भी लघुगणक का बेस वाली वैल्यू ना दिया हो, तो उसको हम 10 मान लेते हैं। यानी कि यदि लघुगणक का बेस ना दिया हो, तो उसको हम 10 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक फार्मूला और आप नोट कर दो, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट फार्मूला है लॉग ए पे पावर एन हो और बी पे पावर एम हो, लॉग ए पे पावर एन बेस हो और बी पे पावर एम हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एम बटे एन लॉग बी बेस ए के रूप में। तो इस तरीके से लघुगणक से संबंधित जितने भी फार्मूले और कॉन्सेप्ट है बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने क्लियर करा दिया है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ध्यान से आप प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा कि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। सारे क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता देना होगा। तो ध्यान से डियर स्टूडेंट आप प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिएगा, जिससे आपको क्लियर तरीके से
सारे क्वेश्चन के कांसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पेश करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन को आप ध्यान से देखिएगा, दिया है यदि लॉग 2 बराबर 0.30103 हो तो लॉग 200 का मान क्या है ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन को, दे रखा है लॉग 2 बराबर 0.30103 क्यूब, तो आपको बताना है कि लॉग 200 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम लॉग 200 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट लॉग 2/100 के रूप में, ठीक है। अब देखिएगा यह जो आपकी वैल्यू है लॉग m * n के रूप में है, लॉग m * n के रूप में है, तो लॉग m * n को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लॉग m + का लॉग n के रूप में। अब देखो लॉग 2 की वैल्यू रख दो 0.30103 के रूप में, जो आपका लॉग 100 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 का स्क्वायर के रूप में, ठीक है। मैंने आपको बताया था यदि बेस में कुछ ना दिया हो तो उसको हम 10 मानकर चलते हैं, तो 10 में ही लिख दिया, तो यहाँ से आपका 0.30103 हो जाएगा प्लस का ये जो वैल्यू है लॉग m का पावर n log m का पावर n के रूप में है, तो इसको हम n log m के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखना ये वैल्यू आपका 0.30103 ही होगा। अब देखिएगा log 10 base 10 यानी कि log वाली वैल्यू और base वाली वैल्यू दोनों समान हो गए तो उसका तो मान 1 हो जाएगा, यानी log वाली वैल्यू और base वाली वैल्यू समान है तो उसका मान 1 होगा, यानी इस वैल्यू का मान 1 हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा प्लस का 2, तो 0.30103 प्लस का 2 आप जोड़ दोगे तो 0 मिल जाएगा आपको 2.301030। इस तरीके से लॉग 200 का जो मान होगा 2.30103 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बताया है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को भी, बिल्कुल सिंपल और आसान है, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस प्रकार से दे रखा है log x / 2 log x base 2 plus का 2 बराबर आपको दे रखा है log 16 के रूप में, तो आपको x की वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, ये आपका log x base 2 है, क्या मैं 2 को इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ 2 log 2 base 2, क्योंकि आपको भी पता है कि log 2 base 2 का मान 1 ही होगा, क्योंकि जब log वाली वैल्यू base वाली वैल्यू समान होती है तो उसका मान 1 होता है, तो इस पूरी वैल्यू का मान तो 1 हो जाएगा, 1 गुणे 2 करेंगे वापस से 2 आ जाएगा। यह मैंने क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए लिखा है जिससे आपको समझ में आ सके। अब log 16 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log 2 का पावर 4 के रूप में, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए ना, यहाँ पर log x base 2 plus का 2 log 2 base 2 बराबर ये आपका log m पावर n के रूप में है, जिसको हम n log m के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा log x base 2 यहाँ पर 4 log 2 में से आप 2 log 2 घटा दो, 4 log 2 में से 2 log 2 घटाओगे तो मिलेगा आपको 2 log 2, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा log x base 2 यह जो 2 है वो आपका 2 का पावर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है यदि log m पे पावर n होता है तो इसको हम n log m लिख सकते हैं,
क्या मैं यन लॉग यन से पुनः लॉग यन पे पावर यन पे भी तो कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि लॉग यन पे पावर यन यदि हो सकता है तो उसी प्रकार से यन लॉग यन से हम लॉग यन पे पावर यन के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इस रूप से हम इस रूप में ला रहा है। तो आपका यन लॉग यन के रूप में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम का पावर यन, यानी 2 का पावर 2 के रूप में। अब देखो ए लॉग से आपका ए लॉग फक्शन में चला गया तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इस तरीके से जो एक्स का मान होगा वो आपका 4 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको लंबवत के कांसेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को भी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, यदि 3 log x base 8 = 2 हो तो x का मान क्या है ये आपको बताना। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को भी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है 3 log x base 8 = आपको दे रखा है 2, तो x की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। तो देखना इस 3 को हम 2 के बट्टे लेकर जाते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा log x base 8 = 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा लघुगणक के नियम से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 8/2/3, क्योंकि जब आपका 8 राइट साइड जाएगा तो अपने सर पर 2/3 ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, अब बाहर पावर आपका 2/3 है, यह 3 से यह 3 कट गया तो x की वैल्यू कितना आ गया, 2/2 जिसका मान होता है 4। इस तरीके से x का जो मान आएगा वो आपका 4 आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को भी, बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि log 729 base 3 = 6 का घातांकी रूट क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को भी, बोला है log 729 base 3 log 729 अब बेस में 3 = 6 इसका घातांकी रूप क्या होगा ये आपको बताना है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि लघुगणक रूप से घातांकी रूप में चेंज करने के लिए कैसे होता है, जो आपका 3 है ना अपने सर पर 6 को ले लेगा, यानी 3 जो है अपने सर पर 6 ले लेगा, बराबर आपको हो जाएगा 729। इस तरीके से लॉग रूप का घातांकी रूप 3/6 = 729 के बराबर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को भी, दे रखा है log b base a log b base a गुणे log a base c log a base c, ठीक है, गुणे आपको दे रखा है log c base b, इसका मान क्या है ये आपको बताना है। तो log b base a को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log b बट्टे का log a के रूप में। उसी प्रकार से log a base c को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log a बट्टे का log c के रूप में। उसी प्रकार से लॉग सी बेस बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लॉग सी बट्टे का लॉग बी के रूप में। अब देखो लॉग बी से लॉग बी कैसे, लॉग ए से लॉग ए कैसे, लॉग सी से लॉग सी कैसे, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा ए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को भी, बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है लॉग PQ बटे का QR, लॉग PQ बटे का QR कूड़े प्लस है लॉग QQ बटे का QR, लॉग QQ बटे का QR प्लस लॉग RQ बटे का PQ प्लस का लॉग RQ बटे का PQ प्लस का लॉग 1 अपॉन PQR, लॉग 1 अपॉन PQR इसकी वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से आप देखिएगा, तो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p प्लस लॉग r के रूप में है, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p प्लस लॉग r के रूप में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग m गुणे n गुणे p गुणे r के रूप में, यानी आपका हो जाएगा लॉग PQ बटे का QR गुणे QQ बटे का QR गुणे RQ बटे का PQ गुणे 1 अपॉन PQR के रूप में, क्योंकि log m plus n plus p plus r को log m गुणे n गुणे p गुणे r के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो QQ है तो 1, 2, 3 Q, PQ है तो आपका एक यहाँ पर एक मिस्टेक होगा, ये आपका PR है, यहाँ पर आपका PR है, इसको सही कर लीजिए। देखो ए पी आर होगा ना, तो ए क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू क्यू से 1, 2, 3 क्यू क्यू कट गया, फिर पी क्यू से 1, 2, 3 पी ए कट गया, ठीक है, फिर आर क्यू से 1, 2, 3 आर ए कट गया, तो फाइनली आपको मिल जाएगा लॉग 1। अब लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो आपका 0 होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो आपका 0 होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो कि बिल्कुल सिंपल और साधारण है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे आपको सॉल्व करना है। दे रखा है यदि 3 टू पावर x बराबर 4 पावर y बराबर 12 का पावर z होता है, z की वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को भी। 3 टू पावर x बराबर 4 टू पावर y बराबर 12 का पावर z दे रखा है, तो आपको चेट के रूप में x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट कि 3 पे पावर x बराबर आपका है a, ठीक है, 3 इस टोटल वैल्यू के बराबर आप मान लो, तो कि मैंने मान लिया, यानी कि 3 पे पावर x बराबर a भी लिख सकते हैं, 4 पे पावर y बराबर भी a लिख सकते हैं, और 12 पे पावर z बराबर भी a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 की पावर x बराबर a हो जाएगा, तो 3 की वैल्यू हमको निकालना है, केवल और केवल 3 की वैल्यू निकालना है, तो पावर में हम क्या करते हैं x से भाग देते हैं, दोनों पक्षों में पावर में x से भाग दोगे तो 3 बराबर क्या हो जाएगा a की पावर 1 अपॉन x, उसी प्रकार से 4 की पावर y बराबर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमको केवल और केवल 4 की वैल्यू चाहिए, तो करेंगे क्या, दोनों पक्षों में y से भाग दे दो तो 4 बराबर क्या मिल जाएगा 1 पावर 1 अपॉन y, ठीक है। अब देखो 12 को पावर z बराबर भी हम a लिख सकते हैं, लेकिन 12 को हम क्या लिख सकते हैं एक स्टेप और चलते हैं, इधर भी हम पावर से z को खत्म करते हैं, तो पावर से z को खत्म करने के लिए हम दोनों पक्षों में z से भाग देते हैं, तो 12 बराबर क्या मिलेगा 1 पावर 1 अपॉन z, मैंने क्या किया दोनों पक्षों में जेड से भाग दे दिया, ठीक है।
अब देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 के रूप में बराबर 1/1/0 है। अब आपको 3 की भी वैल्यू पता है और 4 की भी वैल्यू पता है, तो 3 की वैल्यू कितना है 1/1/x, 4 की वैल्यू कितना है 1/1/y, बराबर आपका हो जाएगा 1/1/0। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर 1/1/x / 1/1/y बराबर 1/1/0 है, तो घातांक का नियम है यदि आधार बराबर हो और गुणे के रूप में है तो घातें जुड़ जाती है। यदि आपके आधार बराबर हो और गुणे के रूप में है तो घातें जुड़ जाती है, यानी क्या मिलेगा 1/1x + 1/y बराबर 1/1/z। ठीक है, अब देखो दोनों साइड आधार के बराबर है, यानी इधर भी आधार है और इधर भी आधार है, तो हम घातों की तुलना कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा 1/x + 1/y बराबर 1/z। इसको सॉल्व कर लो तो मिलेगा आपको x + y डिवाइडेड बाय xy बराबर 1/z। यहां से आप z की वैल्यू निकालोगे तो मिलेगा आपको xy डिवाइडेड बाय x + का y। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, x z की जो वैल्यू आएगी xy बटे का x + y। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को भी जो कि बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझिए, बिल्कुल सिंपल और आसान से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है log x / e + का log 1 + x / e = 0 का तात्पर्य क्या है कि आपको बताना, तो लो हम तात्पर्य ही बता लेते हैं। तो दे रखा है आपको log x / e + का log 1 + x / e बराबर है 0, इसका तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। तो देख रहे दोनों के आधार समान है, log m + log n के रूप में दोनों के आधार समान है और log m + log n के रूप में है, तो log m + log n को हम क्या लिख सकते हैं log m * n के रूप में, m * n के रूप में। ठीक है, बेस में e रहेगा ही, बराबर आपका हो जाएगा 0। मैंने क्या किया log m + log n को log m * n के रूप में लिख दिया। अब देखिएगा e को हम राइट साइड ले जाएंगे तो x 1 + x बराबर, तो e क्या करेगा 0 को अपने सर पर ले लेगा। ठीक है, तो यहां से गुणा करा दो तो x + x square बराबर e पे पावर 0 की वैल्यू हमेशा और हमेशा 0। किसी भी संख्या में पावर 0 हो तो उसका भी मान 1 होता है, e पे पावर 0 हो, p पे पावर 0 हो, 1 पे पावर 0 हो, 0.1 पे पावर 0 हो, तो उसका मान 1 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x, 1 को आप लेफ्ट साइड लाओ तो माइनस का a बराबर 0। इस तरीके से जो फाइनल आंसर होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस a बराबर 0 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है यदि a स्क्वायर + b स्क्वायर बराबर 7ab हो तो log a plus b divided by 3 का मान क्या होगा ये आपको बताना है, तो ध्यान से देखना। दे रखा है log a a square plus b square बराबर 7ab दे रखा है, a square plus b square बराबर आपको दे रखा है 7ab। ठीक, तो आपको ज्ञात करना है log a plus b divided by 3 की वैल्यू क्या होगी ये आपको
बताना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम करते क्या है, क्या करेंगे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि हमको प्लस का 2ab मिल जाए तो हमारा एक फार्मूले के रूप में आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, प्लस का 2ab चाहिए, तो हम करते क्या है, दोनों पक्षों में हम 2ab जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आज जब राइट साइड जब 2ab जोड़ोगे तो 7ab प्लस 2ab आपका हो जाएगा 9, डिवाइड क्या किया, दोनों पक्षों में 2ab को जोड़ दिया। अब आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 9ab। ठीक है, अब देखिएगा दोनों पक्षों में आप करड़ी लगा देते हैं, तो जब दोनों पक्षों में आप करड़ी लगाओगे तो यहाँ से तो आपको लेफ्ट साइड से ए प्लस बी मिलेगा और राइट साइड से 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 आएगा और रूट ओवर आपका ए इंटू बी रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा ए प्लस बी है, इस 3 को आप बट्टे में लाओ तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 3, तो राइट साइड आपको केवल और केवल मिल जाएगा रूट ओवर ए। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 आपका है, रूट ओवर ए बी को यदि मैं इसको कड़ी हटाऊ यहाँ से राइट साइड से, यदि मैं राइट साइड से कड़ी को हटाऊ तो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 1/2 ए इंटू बी के रूप में। यहाँ तक आपको क्लियर है, अब देखिएगा हम अपनी वैल्यू तक पहुंचने वाले हैं, हमको निकालना है लॉग ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 3 का मान, तो हम करते क्या है, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लॉग ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 3 बराबर, जब राइट साइड में लॉग लेंगे तो क्या होगा, 1/2 तो आपका रहेगा ही, ये आपका हो जाएगा लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी, तो लॉग 1/2 है, लॉग ए इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस का लॉग बी, इस तरीके से लॉग ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 3 का जो मान होगा 1/2 लॉग ए प्लस का लॉग बी होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं आज की क्लास में सॉल्व कर आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 से डियर स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को भी। बोला है कि यदि लॉग ए बेस 2 बराबर 4 माइनस लॉग 4 बेस 2 हो तो ए का मान क्या है, ये आपको बताना है, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखना, दे रखा है लॉग ए बेस 2, लॉग ए बेस 2 बराबर 4 माइनस बराबर 4 माइनस लॉग 4 बेस 2, लॉग 4 बेस 2, तो ए का मान क्या होगा ये आपको बताना है, तो देखो लॉग ए बेस 2, ए 4 है तो 4 ही रखो, माइनस का लॉग 4 बेस 2 को क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं लॉग 2 का होल स्क्वायर, जो 4 है उसको 2 का होल स्क्वायर और बेस भी 2 हो जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा लॉग ए बेस 2 बराबर 4 माइनस, यह जो आपकी वैल्यू है लॉग यंग का पावर एन के रूप में, लॉग यंग का पावर एन को हम जान सकते हैं यंग लॉग एन के रूप में, यानी कि 2 लॉग 2 बेस के 2 हो जाएगा। अब देखना लॉग वाली वैल्यू और बेस वाली वैल्यू दोनों समान है, लॉग वाली वैल्यू और बेस वाली वैल्यू समान है तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी यह पूरी वैल्यू आपका 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो 4 में से 2 घटाओगे 2 मिलेगा, बराबर लॉग ए बेस 2, ए की वैल्यू निकालना है तो 2 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो 2 क्या करेगा, इस 2 को अपने सर पर ले लेगा बराबर ए, तो यहां से आप ए की वैल्यू निकालोगे तो 4 आ जाएगा, इस तरीके से ए का जो मान होगा वो आपका 4 होगा,
यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है लबड़क के बेसिक फार्मूला और बेसिक कांसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे प्रश्नों का सार सुनो। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।